तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉइड फोन में ही सारे के सारे प्रैक्टिकल्स फाइल हैंडलिंग के आप कैसे कर सकते हो। तो फाइल हैंडलिंग में हम टोटल तीन तरह की फाइल्स के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहला CSV फाइल्स, फिर टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स। तो ये तीन तरह की फाइल्स हैं जिनमें हम काम करते हैं। इनमें हम क्या क्या करते हैं, इनमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा राइट करते हैं, फिर डेटा को हम अपेंड भी कर सकते हैं। और यानी कि किसी एक पर्टिकुलर फाइल में जब डेटा उसमें पहले से बना हुआ है तो उसके बाद हम उसमें और डेटा ऐड कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं अपेंड करना। तो हम डेटा इसमें अपेंड भी कर सकते हैं और हम फाइल्स को रीड भी कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला, इसमें आपको सिर्फ मैं ये बताने वाला हूँ कि आप ये सारे प्रैक्टिकल्स आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन में कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ उतना बताऊँगा जिसके बाद आपको एंड्रॉइड में प्रैक्टिकल करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और फाइल हैंडलिंग के लिए कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले आपको एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ क्या होता है। तो वो वीडियो आपको देखना मस्ट है, आप उस वीडियो को देखें उसके बाद ही इस वीडियो पे आए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे विदाउट पाइथन एक टेक्स्ट फाइल बना सकते हो, एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर सकते हो। और इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप पाइड्रॉइड से ये कर सकते हो। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई टेक्स्ट फाइल विद द हेल्प ऑफ पाइथन कैसे क्रिएट करोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप उसे रीड कैसे कर सकते हो। इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा CSV फाइल्स के बारे में, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि CSV फाइल्स को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो विदाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि CSV फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हो विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी विद पाइथन की हेल्प से। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसको हम रीड कैसे करेंगे विद पाइथन, ठीक है। और अब अगर हम बात करें बाइनरी फाइल्स के बारे में, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाइनरी फाइल्स जो है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होती है, तो हम इसे यहाँ पर विदाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम इसे क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन और उसके बाद हम इसे रीड भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो, लेकिन उससे पहले हम ये सारा का सारा जो डेटा हम यहाँ पर बनाएंगे, जो प्रोग्रामिंग फाइल्स, जो पाइथन फाइल्स बनाएंगे, उससे पहले हम यहाँ पर जो भी पाइथन फाइल्स बनाने वाले हैं, जो भी टेक्स्ट फाइल्स, जो भी CSV फाइल्स, जो भी बाइनरी फाइल्स, ये सारे जो भी फाइल्स हम बनाने वाले हैं, इन्हें हम एक अलग फोल्डर पर रखेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि फाइल मैनेजर में एक अलग फोल्डर बना लूंगा फाइल हैंडलिंग नाम का, और उसके बाद फिर मैं उसके अंदर तीन फोल्डर्स बनाऊंगा। सबसे पहला रहेगा TXT फाइल्स, फिर CSV फाइल्स, फिर DAT फाइल्स। तो इस तरह से मैं अपने सारे फाइल्स को मैनेज करके रखने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि विदाउट पाइथन हम लोग टेक्स्ट फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना लिया फाइल हैंडलिंग नाम का। अब मैं इसी फोल्डर के अंदर तीन फोल्डर बनाऊंगा, और जिसमें एक मैं TXT फाइल्स रखूंगा, एक CSV होगा और एक DAT होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं और भी फोल्डर्स बना लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर तीन फोल्डर बना लिया है फाइल हैंडलिंग फोल्डर के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास DAT फाइल्स, उसके बाद है CSV फाइल्स, उसके बाद है TXT फाइल्स। ये तीन फोल्डर हमारे पास बन गए हैं, अब यहीं पर हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पाइड्रॉइड खोल लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास पाइड्रॉइड आ गया है। तो अब यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या काम करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक TXT फाइल क्रिएट करने वाला हूँ विदाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बिना पाइथन के हेल्प के एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने वाला हूँ। तो टेक्स्ट फाइल के अंदर का जो कॉन्टेंट रहेगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसके अंदर का कॉन्टेंट लिख दिया है। क्या लिखा है मैंने इसमें, दिस इज अ टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड विदाउट पाइथन। तो इसे मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा अब सिंपली। तो यहाँ पर मैं फोल्डर वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर सेव ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, और इंटरनल स्टोरेज के अंदर मैं अपना फोल्डर सेलेक्ट करूंगा फाइल हैंडलिंग नाम का, जो कि मैंने अभी बनाया था। यहाँ मैं फाइल हैंडलिंग के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर TXT फाइल्स के अंदर इसे सेव कर दूंगा सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करके। मैं इसका यहाँ पर नाम दे देता हूँ Text1, और यहाँ पर जो इसका एक्सटेंशन है .py इसे मैं हटा के .txt कर देता हूँ। बस यहाँ पर आपको ये काम करना है, इसके बाद आपका सिंपली जो टेक्स्ट फाइल है वो विदाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल आ गया है। तो अभी आपने देखा कि सिंपली हम विदाउट पाइथन कैसे एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करेंगे। अब हम देखने वाले हैं कि कैसे विद द हेल्प ऑफ पाइथन, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम कैसे एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना प्रोग्राम लिख लिया है। यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक फाइल हैंडल बना रहा हूँ, और ये क्या करेगा, ये राइट मोड में एक फाइल को खोल रहा है, यानी कि वो उस फाइल को बना देगा text2.txt, यानी ये फाइल जो है वो बन के हमारे पास आ जाएगी। और उसके बाद मैं क्या करा रहा हूँ, यहाँ पर मैं राइट फंक्शन का यूज़ करा के एक लाइन यहाँ पर ऐड करा रहा हूँ, दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, और उसके बाद \n, यानी कि लाइन जो है वो चेंज हो जाएगी। और उसके बाद उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पर एक लाइन ऐड करवाया जिस पर लिखा हुआ है क्रिएटेड विद पाइथन, यानी कि ये जो दोनों लाइन है ये उस टेक्स्ट फाइल पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर
एफ डॉट क्लोज यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि जो हमारा फाइल हैंडल है वो क्लोज हो जाएगा। अब मैं इसे अगर रन करूँ तो ये ऐसे नहीं चलेगा। हम यहाँ पर ये ज़रूरी होता है कि हम इसे पहले सेव कर लें उस लोकेशन पे ही, जिस लोकेशन में हमें इसे इस फाइल को बनवाना है। तो यहाँ पर मैं इसे सेव कर लेता हूँ, फाइल हैंडलिंग के फोल्डर पे ही जाऊँगा मैं, और इसके अंदर हम txt फाइल्स में जाएंगे और यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर दूंगा। इसका नाम मैं रख दूंगा p1.py। यहाँ पर हम फाइल एक्सटेंशन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये जो प्रोग्राम है हमारा ये पाइथन ही फाइल है, तो ये फाइल जो है वो उस फाइल को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये जो है वो पाइथन फाइल में ही रहेगा, .py एक्सटेंशन में ही रहेगा, ये वो काम करवाएगा जो उस फाइल को क्रिएट कर दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे सेव कर देता हूँ। अब ऐसे ही ये फाइल यहाँ पर क्रिएट नहीं होने वाला। अगर मैं यहाँ पर फाइल मैनेजर पर जाकर देखूँ, फाइल मैनेजर में गया और फिर अब मैं फाइल हैंडलिंग में जाऊंगा, यहाँ पर मैं txt फाइल्स में जाऊँ, तो यहाँ पर मेरे पास दो फाइल्स है, एक text1.txt जिसे मैंने विदाउट पाइथन बनाया था, और यहाँ पर है हमारे पास p1.py यानी अभी जो मैंने प्रोग्राम बनाया वो। अब अगर हम इस p1.py को रन करवाएं तभी हमारा वो जो text2.txt है वो हमारा सेव हो जाएगा इसी लोकेशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस जो प्रोग्राम है इसे रन करा देते हैं। रन कराने के बाद यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है प्रोग्राम फिनिश्ड, यानी कि ये कोई एरर नहीं दे रहा, यानी कि प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं वो लोकेशन। यहाँ पर अगर मैं उसी लोकेशन में आ जाऊँ फाइल हैंडलिंग में आने के बाद txt फाइल्स के अंदर, तो यहाँ पर मेरे पास एक और फाइल आ गया है text2.txt। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है दिस इज़ अ टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड विद पाइथन। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल बन के आ चुका है। और अगर पुराना वाला टेक्स्ट फाइल अगर हम यहाँ पर चेक कर लें तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है दिस इज़ अ टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड विदाउट पाइथन। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि आप पाइथन के हेल्प से भी कैसे क्रिएट कर सकते हो टेक्स्ट फाइल को, और विदाउट पाइथन कैसे क्रिएट कर सकते हो टेक्स्ट फाइल को। टेक्स्ट फाइल्स को क्रिएट तो कर लिया लेकिन अभी तक हमने उसे रीड करके नहीं देखा, तो अभी हम उसे रीड करने वाले विद द हेल्प ऑफ पाइथन। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि टेक्स्ट फाइल को आप कैसे रीड कर सकते हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक नया फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना जो प्रोग्राम है वो लिखकर कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एफ नाम का एक फाइल हैंडल बना रहा हूँ जिसमें मैं एक फाइल को इम्पोर्ट करवा रहा हूँ और वो रीड मोड में रहेगा। यहाँ पर उसके लिए मैंने आर लिखा हुआ है। यहाँ पर रीड मोड के लिए आर यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाई डिफ़ॉल्ट रीड मोड में ही ओपन कर देता है, लेकिन यहाँ पर मैं कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहता इसलिए मैंने यहाँ पर आर यानी कि रीड मोड दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करा रहा हूँ, एस नाम का एक वेरिएबल बना हुआ है जिसमें एफ डॉट रीड रहेगा। तो इससे क्या होगा कि एफ में जितना भी एफ फाइल हैंडल में जितना भी कंटेंट है वो एस में आ जाएगा, और उसके बाद एस जो है वो प्रिंट हो जाएगा, यानी जितना भी सारा कंटेंट हमारा text2.txt में है वो प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद एफ डॉट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। फाइल हैंडल के फोल्डर, फाइल हैंडलिंग के ही फोल्डर पे जाऊंगा और txt फाइल्स के अंदर ही सेलेक्ट फोल्डर करूंगा p2.py, क्योंकि ये भी एक पाइथन फाइल ही है। अब मैं इसे सेव कर दूंगा। अब अगर हम इसे रन करके देखें तो यहाँ पर हमारा जो कंटेंट है वो प्रिंट होकर आ चुका है। तो ये था टेक्स्ट फाइल्स के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं csv फाइल्स के बारे में, और csv फाइल्स यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो यहाँ पर जो है अलग अलग वैल्यूज़ को हम अलग से सेपरेट करके रखते हैं, जैसे कि अगर आप एमएस एक्सेल में अगर आपने काम किया होगा तो वहाँ पर आप जिस तरह से अपने डेटा को स्टोर करते हो बस उसी तरह से हम यहाँ पर भी अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि सीएसवी फॉर्मेट में हम कैसे अपने डेटा को स्टोर करके रखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हम उसे विदाउट पाइथन कैसे स्टोर करेंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप विदाउट पाइथन कैसे एक सीएसवी फाइल बना सकते हो। तो उसके लिए मैं सबसे पहले पाइड्राइव में आ जाता हूँ। यहाँ मैं पाइड्राइव में आ चुका हूँ, तो अब मैं यहाँ पर आपको एक सीएसवी फाइल बनाकर दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो अपना डेटा इंसर्ट कर लिया है, और हम अलग अलग डेटा को कॉमा से सेपरेट करेंगे क्योंकि इसका नाम ही है सीएसवी यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। बस हमें ये करना है, उसके बाद हम इसे डायरेक्ट सेव कर देंगे, ठीक है। फाइल हैंडलिंग के फोल्डर में ही सेव करूंगा मैं इसे, और यहाँ पर मैं csv फाइल्स के अंदर सेलेक्ट फोल्डर करके इसका नाम मैं रख दूंगा c1.csv रख देता हूँ, क्योंकि csv का जो
एक्सटेंशन होता है वो सीएसवी ही होता है, और अब मैं इसे सेव कर दूंगा। अब मैं फाइल मैनेजर में जाकर देखता हूँ कि इसमें क्या स्टोर हुआ है। ठीक है, तो फाइल मैनेजर में आ जाते हैं हम लोग। फाइल मैनेजर में आने के बाद हम यहाँ पर फाइल हैंडलिंग में आएंगे, और फाइल हैंडलिंग में सीएसवी फाइल्स के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक आ चुका है c1.csv। इसे अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो है वो डेटा इंसर्ट किया हुआ सीएसवी फाइल बनके तैयार हो चुका है। अब देखेंगे कि पाइथन के हेल्प से कैसे सीएसवी फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर एक मैं न्यू फाइल खोल लूंगा, और अब मैं यहाँ पर प्रोग्राम लिखूं, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो प्रोग्राम है वो अपना यहाँ पर लिख लिया है। और यहाँ पर मैं क्या करा रहा हूँ, सबसे पहले सीएसवी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करवा रहा हूँ, उसके बाद एफ नाम का जो फाइल हैंडल है वो एक नया फाइल बना दे रहा है, क्योंकि ये राइट मोड में है c2.csv। ठीक है, एक्सटेंशन ध्यान में रखना है। और उसके बाद जो है एक नया आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, न्यू लाइन इक्वल टू एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अगर आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं डालोगे तो आपके हर रिकॉर्ड्स के बीच में एक एम्प्टी एक ब्लैंक रो ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक यहाँ पर टपल बनाया है रोज नाम का, जिसमें मैंने कुछ रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। सबसे पहले नाम दिया हुआ है कॉलम का, जो कि रोल और नेम, उसके बाद फिर यहाँ पर रोल नंबर 3, फिर नाम जो है वो डेविड, उसके बाद रोल नंबर 4, और उसके बाद नेम जो है वो बेनी। तो इस तरह से मैंने एक रिकॉर्ड के लिए एक टपल बना लिया है, जिसे मैं पूरा का पूरा इंसर्ट करवाने वाला हूँ। ठीक है, और उसके बाद हमने एक राइट ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके बाद राइट रोज फंक्शन के हेल्प से मैं यहाँ पर अपने रिकॉर्ड्स को जो है वो इंसर्ट करवा ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एफ डॉट क्लोज से मैं अपने फाइल हैंडल को क्लोज कर ले रहा हूँ। तो इसे रन करने से पहले सबसे पहले हम इसे सेव करेंगे। फाइल हैंडलिंग के फोल्डर के अंदर ही सीएसवी फाइल्स के अंदर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके p1.py नाम से इसे सेव कर लूंगा, क्योंकि ये एक पाइथन फाइल है। इसे सेव कर लिया, अब मैं इसे रन करके देखता हूँ क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोग्राम फिनिश्ड, यानी हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम अपने लोकेशन पर जाकर देखते हैं फाइल मैनेजर से कि हमारा जो सीएसवी फाइल है वो बना या नहीं। यहाँ पर मैं सीएसवी फाइल्स के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर मेरे पास p1.py नाम का वो प्रोग्राम आ चुका है, और c2.csv मैंने बनाया था, तो ये हमारे पास बन के आ चुका है। अगर हम इसे चेक करके देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है इस फाइल में। तो अब देख लेते हैं कि सीएसवी फाइल्स को कैसे रीड कर सकते हैं। यहाँ पर एक नया फाइल बनाएंगे, अब मैं यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिख लेता हूँ। यहाँ मैंने प्रोग्राम लिख लिया है, यहाँ पर मैं फॉर लूप के हेल्प से अपने सारे रिकॉर्ड्स को प्रिंट करवाऊंगा, और अब मैं इसे सेव करके देख लेता हूँ। इसे मैं r1.py नाम से सेव करूंगा, क्योंकि ये एक पाइथन फाइल है। इसे रन करके देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे रिकॉर्ड्स जो है वो आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से आप सीएसवी फाइल के रिकॉर्ड्स को रीड कर सकते हो। अब बात करते हैं बाइनरी फाइल्स के बारे में, जिनका फॉर्मेट .dat होता है। बाइनरी फाइल्स जो होती हैं वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होती है, तो आप तो वहां पर डेटा ऐसे ही स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन विद द हेल्प ऑफ पाइथन हम यहाँ पर उसमें एक मॉड्यूल यूज करने वाले हैं, पिकल मॉड्यूल, उसके हेल्प से हम यहाँ पर डेटा को स्टोर करेंगे। सबसे पहले तो पहले देख लेते हैं कि डेटा को कैसे हम वहाँ पर स्टोर करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप बाइनरी फाइल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो ये मैंने अपना प्रोग्राम लिख लिया है, यहाँ पर मैं क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले पिकल मॉड्यूल को इम्पोर्ट करवा रहा हूँ, उसके बाद एफ नाम का जो फाइल हैंडल है उस पर मैं b1.dat नाम का एक बाइनरी फाइल बनवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसे wb मोड पर खोला हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं pickle.dump फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने जो डेटा मेरे को स्टोर कराना है वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अ बाइनरी फाइल, और उसके बाद मैंने फाइल हैंडल का नाम दिया है। उसके बाद मैं फाइल हैंडल को क्लोज कर दे रहा हूँ। अब मैं इसे पहले सेव कर दूंगा, उसके बाद रन करूंगा। इसे हम फाइल हैंडलिंग फोल्डर के अंदर DAT फाइल्स के अंदर ही सेलेक्ट फोल्डर करके यहाँ पर ही सेव करेंगे इसे, और इसका मैं नाम दे दूंगा p1.py। ठीक है, p1.py, अब मैं इसे सेव कर दूंगा। तो ये हमारा जो पाइथन फाइल है ये हमारा सेव हो चुका है। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो ये मुझे वो फाइल बनाकर दे देगा। तो मैं इसे रन करके देखता हूँ कि क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो चल गया है। अब मैं फाइल मैनेजर से उस लोकेशन पर जाकर देखता हूँ जहाँ पर मैंने ये प्रोग्राम सेव किया था, उस लोकेशन पे एक नया बाइनरी फाइल जो है वो मुझे वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं फाइल मैनेजर से फाइल हैंडलिंग फोल्डर के अंदर DAT फाइल्स के अंदर जा रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे दो फाइल्स मिल रहे हैं, एक p1.py जो कि मैंने पाइथन फाइल बनाया था, और उसे रन करने के बाद हमारे पास एक और फाइल आ गया है, जो कि ये b1.dat।
तो इस तरह से हम बाइनरी फाइल्स में अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। और अब हम ये भी देख लेते हैं कि इसे कैसे हम रीड करेंगे, क्योंकि ऐसे ही तो हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में तो ये होता नहीं है, जिसमें भी हम पिकल मॉड्यूल का यूज करके इसे रीड करने वाले हैं, तो इसे रीड करके भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक नया फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर मैं फिर से अपना प्रोग्राम लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना प्रोग्राम लिख लिया है। इसमें मैं क्या करवा रहा हूँ, पिकल डॉट लोड फंक्शन से मैं यहाँ पर एफ फाइल हैंडल के अंदर, यानी एफ फाइल हैंडल जो जिस फाइल को रेफर कर रहा है उस फाइल के अंदर जितना भी डेटा है वो आर वेरिएबल में आ जाएगा, और उसके बाद मैं आर को प्रिंट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद एफ को मैं यहाँ पर क्लोज करवा दे रहा हूँ। तो इसे मैं पहले सेव कर देता हूँ, उसके बाद रन करूंगा। यहाँ पर मैं इसे सेव कर देता हूँ पी टू डॉट पी वाई नाम से। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर का जो डेटा था और बाइनरी फाइल वो लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरह से फाइल हैंडलिंग के सारे प्रैक्टिकल्स आप अपने एंड्रॉइड फोन में कर सकते हो।